राधे राधे एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग जो है वो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, और क्या करें, घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। मेरे परिवार में ना गांव में ही ससुर जी का देहांत हो गया था, तो फिर मेरा ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। आप समझ सकते हैं, अगर घर में ऐसा कुछ माहौल हो जाता है तो पूरा परिवार ना वहीं थम जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो ना थोड़ी लेट है, आप लोग इसे इग्नोर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी वीडियोस को आप लोगों के साथ सही समय पर शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और ये है मंडे का ब्लॉग। तो बच्चे यहाँ पर ना स्कूल चले गए हैं, तो उनके जाने के बाद ना हम गृहणियों का जो डेली रूटीन का काम है वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे, और बस कपड़े लगाने के बाद मैं यहाँ पर चाय पी रही थी। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में ना मैंने थोड़ी थोड़ी जो भी मेरे घर में सामान फैला था उनको एक सा किया। तो हम गृहणियाँ ना डेली ही अपने घर को व्यवस्थित करने में लग जाती हैं। सुबह से हमारा यही काम होता है कि चीज़ों को जो है ना हम वो यहाँ वहाँ जो भी हमारा फैला रहता है उनको एक सा करना, और कुछ ना सामान घर में बिखरा ही रहता है। जब तक घर में बच्चे होना तब तक क्या ही कहें, बच्चे ना हम सभी के एक जैसे ही हैं। वो लोग कोई भी सामान ना अपना एक जगह पर नहीं रखते हैं। अगर ये एक भी सामान उन्होंने इस्तेमाल किया ना तो ज़रूर उसको वहाँ पर छोड़ के ही जाएंगे, बस बोलते हैं कि बस अभी हटा लूँगी। तो ऐसा ही है, हम सभी ना बच्चों से थोड़ा बहुत परेशान रहती हैं। तो यहाँ पर ना सारे सामान जो है मैंने एक से कर लिए थे, और कपड़े भी मेरे वॉश हो गए थे तो मैंने उनको बाहर धूप में फैला दिया, और बस उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि सामान जो है वो मैंने सारा सेट कर लिया था। तो अभी उसके बाद मैं कमरे में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना तो वही डेली का ही काम है। सुबह शाम जब तक घर में झाड़ू ना लगे ना तब तक कमरे की सफाई लगती ही नहीं है। तो हम गृहणियाँ भी ना डेली ही यही काम करती हैं, लगता है हमारा काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह जो है ना, जब जैसे ही सुबह होती है वापस से ही हम अब खुशी खुशी अपने उसी काम को करने लगते हैं। बस थोड़ा सा टाइम का प्रेशर पड़ता है कि भाई इतनी जल्दी जो है वो टाइम निकल रहा है और काम अभी बहुत सारा है। तो ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, पर काम जो है ना वो करना है, और काम करने के बाद ही जो है वो अपने कमरे की क्लीनिंग जो है ना वो देख के थोड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू लगा ली है और मेरा पोछा भी लग गया है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम जो है वो 9:30 बज रहा है। तो 9:30 बजे ना मैंने अपने जो डेली रूटीन का काम है वो मेरा क्लीन हो गया है, और बस अभी दूध वाले भैया आएंगे तो मैं दूध ले लूँगी। और यहाँ पर जो है ना मार्केट से थोड़े से सामान मैं ले आई थी, क्योंकि कुछ सामान जो है ना वो मेरे घर के ख़त्म हो गए थे, और अभी जो है ना उसको भी मुझे खाली करके रखना है। और यहाँ पर किचन में ना मैंने मलाई जमा कर रखी थी, दही बनाया था इससे, तो बस इससे अभी मक्खन निकालूंगी। तो यही है ना फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ ना अपने कामों को बड़े ही सावधानी से और थोड़े से ना चालाकी के साथ करते हैं, तो काम जो है वो समय से ख़त्म हो जाता है। और कभी कभी ना उसी काम को करते करते हम बोर भी हो जाते हैं, तो कुछ नहीं बीच बीच में थोड़ा सा मतलब हो जाता है काम में टाइम, कभी जल्दी कभी लेट। तो चलिए, यहाँ पर जो है ना मैं अभी आ गई हूँ, जो मेरा सामान था मैं उसको खाली कर लेती हूँ और इसको मैं ना अपनी जगह पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर साबुन जो है ना मैं इकट्ठा ही ले आई थी, क्योंकि ये वाला जो शॉप है ना ये मार्केट में थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि ये आते ही ना इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी इसको इकट्ठा ही ले आती हूँ, बस मैं इकट्ठा ही इसको ले आई। और ये ना मेहंदी है डिब्बा, मेरा हर्बल ही है बिल्कुल, ये भी AWPL का ही है, तो बस मैं यही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं इसको सोयाबीन की बरियाँ थी, इसको मैं डिब्बे में जो है वो फिल करके रख दूँगी। तो अभी जो है ना दूध वाले अंकल आ गए हैं और दूध मैं ले आई थी, तो बस मैं इसको रख देती हूँ गर्म होने के लिए। अभी ना जो भी मेरे क्लीनिंग के काम थे वो हो गए हैं, और फ्रेंड्स टाइम जो है वो आपको पता ही है कि कब निकल जाता है, काम करने में पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर ना मैं काम करने के बाद आधा घंटा बैठ गई थी, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर दही से मक्खन निकालने के लिए। तो मैं मक्खन ना बिल्कुल ही देसी तरीके से निकालती हूँ, जैसे हमारी दादी और नानी निकाला करती थी। घर के बड़ों को ही देखकर ना हम कुछ चीज़ें आसानी से सीख जाते हैं, तो इससे ना मक्खन बहुत ही जल्दी निकल जाता है और ईजी भी होता है। तो यहाँ पर ना मैं इसी मक्खन से अपना घी जो निकलता है मैं वो खाने में इस्तेमाल करती हूँ, और जो भी मेरा मठा निकलता है ना, ये रायता बना लीजिए, छाछ बना लीजिए, और बिल्कुल फ्रेश रहता है, घर का है, कोई भी मतलब डर नहीं रहता है। क्योंकि मार्केट में तो होता है ना कि डर भी रहता है कैसा क्या है, और यहाँ पर जो है ना आपका ताज़ी निकल जाती है, बिल्कुल घर का बना रहता है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही सारे काम हो गए हैं और खाना जो है ना मैं थोड़ा रुक के बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम दूंगी अपने लिए फिर उसके बाद बनाऊंगी। और यहाँ जो कपड़े मेरे सूख गए थे ना मैं इनको उठा लेती हूँ, धूप भी हल्की हल्की है, अच्छा है कपड़ों में धूप भी लग गई है। तो फ्रेंड्स बस इसको फोल्ड करके रख दूंगी और खाना वगैरह रुक के ही बनेगा। तो आज का मेरा यही छोटा सा ब्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये डेली रूटीन का वर्क है तो हम हाउसवाइफ तो समझ सकते हैं कि डेली में हमारा क्या वर्क है और हमको घर के कामों में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।